के बाद अब आयुष्मान खुराना की नई फिल्म बाला का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में आयुष्मान बालों की समस्या से जूझते नजर आएंगे। फिल्म के अलावा आयुष्मान अपनी पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर चिट चैट करने को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चे में आ गए। आयुष्मान की पत्नी पिछले साल ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट हुआ था और जो कमजोरी नहीं पड़ी और उनका पूरा साथ दिया था उनके हस्बैंड आयुष्मान खुराना ने। ताहिरा इस बीमारी से लड़ी, उन्हें कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा। इस दौरान उनके सारे बाल झड़ गए थे। अब ताहिरा अपने छोटे बालों में तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। हाल ही में ताहिरा ने एक फोटो शेयर करके अपने घर में का एक मजेदार किस्सा शेयर किया। इस फोटो में ताहिरा ने बताया कि आयुष्मान ने उनकी तुलना 90 के दशक पॉपुलर एक्टर हरीश से करते हैं। ताहिरा को पता ही नहीं था कि हरीश कौन है। इसके बाद उन्होंने हरीश का फोटो ढूंढकर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। हरीश को देखने के बाद ताहिरा को पता चला कि आयुष्मान उनकी तुलना इस हीरो से क्यों कर रहे हैं। इस पोस्ट में ताहिरा ने कैप्शन में अपनी बात भी लिखी। उन्होंने लिखा, ये मैं हूं बिना किसी हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हुए। आयुष्मान मुझे पिछले कुछ समय से हरीश के नाम से बुला रहे थे। पहले मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, तो अब आप आगे देखिए कि मुझे स्वाइप करने पे आखिर क्या मिला। बता दें कि हरीश, एक्टर हरीश, आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, प्रेम कैदी जैसी फिल्मों में काम किया था और काफी पॉपुलर एक्टर थे। आयुष्मान की पत्नी ताहिरा इस पोस्ट पर कमेंट किया, लेकिन उन्होंने लिखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुमने ये पोस्ट कर दी है। तुम मेरे कैरेक्टर से ज्यादा बहादुर हो, तुम मुझे इंस्पायर किया है। फिर ताहिरा ने लिखा, क्या बहादुर, तुम मुझे सिर्फ हरीश बुला रहे हो, फिर R&D करना पड़ा। फिलहाल हम सब वेट कर रहे हैं आयुष्मान खुराना की दोनों मूवीज का, क्योंकि जिस तरीके से आयुष्मान खुराना की ये दोनों मूवीज चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। ड्रीम गर्ल के अंदर वो एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जो कि लड़की की आवाज में लोगों से बात करता है और उनके दुख और समस्याओं को समझता है, और दूसरा कैरेक्टर लेके आ रहे हैं ये बाला, जिसमें इनके बाल उड़ चुके हैं और इस तरीके के कैरेक्टर हैं। अगर आयुष्मान खुराना की मैं बात करूं तो आयुष्मान खुराना अक्सर लीक से हटके ही फिल्में किया करते हैं, तो देखते हैं ये दोनों फिल्में किस हद तक लोगों का फिर से दिल चुरा लेती हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज मेरे यानी उबैद के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मिलेंगी आपको हमारे शोज की सारी लेटेस्ट अपडेट्स। सो कीप वॉचिंग।